खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब से खुश है और मेहनत करने का इरादा रखता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। और आज जैसा कि संडे है और हम आज बात करेंगे स्टैंडिंग की एक्टिविटी के बारे में। आपने देखा होगा मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो स्टैंडिंग की डाल रखी हैं। मैं किस किस तरह से खड़ा होता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हैं खड़े होने के, मेरे डॉक्टर्स ने और मैंने किस तरह से खड़े होने की एक्टिविटी कर रखी हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास में इस तरह की एक्टिविटी खड़े होने की नहीं होती है और ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा भी नहीं कराते स्टैंडिंग की एक्टिविटी, जबकि पैरालिसिस के पेशेंट के लिए या पैराप्लीजिया के पेशेंट के लिए या क्वाडिया के पेशेंट के लिए खड़ा होना मस्ट है। डेली रूटीन में हमें खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से हमारे ब्रेन तक खड़े होने की एक एक्टिविटी की एक न्यूरॉन्स की सिग्नल जाने की आशा है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। तो पहले तो मैं दिखा चुका हूँ कि मैं वॉकर पे खड़ा होता हूँ, नी ब्रेस वगैरह बांध के किस तरह से खड़ा होता हूँ। दूसरा, मैं एक और वीडियो में दिखा चुका हूँ, मेरे पास एक बेड था, वो टेंटिव बेड जिसको बोलते हैं, उस बेड के ऊपर किस तरह से खड़ा हुआ जाता है। एक और एक्टिविटी थी कि मैं दो जनों की सपोर्ट से कैसे खड़ा हो सकता हूँ, और एक आज एक्टिविटी में ये करके दिखाऊंगा, आप देखिए कैसी है। इसके अंदर आपको दो बंदे तीन बंदे चाहिए खड़ा कराने के लिए, और बिना नी ब्रेस के इस तरह से मैं अपने टोटल बॉडी का वेट अपने नीज के ऊपर डाल के अपने हिप्स पे डाल कर इस तरह से खड़ा होता हूँ। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप देखिए, और अगर आपके पास कोई स्ट्रांग पर्सन है इस तरह से तीन बंदे खड़ा कराने वाले तो आप भी करके देखिएगा। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से लड़ना होगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपना कल बेहतर करना चाहते हैं, हालात से लड़ना चाहते हैं, तो आज हमें लड़ना होगा, तभी हम कल कुछ कर पाएंगे। दोस्तों, परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। तो हम लोगों को मेहनत करनी है और अपनी परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, और परेशानी अगर हमारे ऊपर हावी होगी तो हमारा जो एम है, मकसद है ठीक होने का, वो टूट जाएगा और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। देखिए, ठीक होना और ना होना ये तो रब के हाथ में है, वो करेगा नहीं करेगा। बाकी अगर हमें इतनी परेशानियां वो दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमें ठीक करेगा, इसीलिए वो हमें इतनी परेशानियां दे रहा है, हमें मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि पैराप्लीजिया वाले पेशेंट इस तरह से खड़े हो सकते हैं, जैसे कि C5, C6, C7 वाले पेशेंट हैं, क्वाडिया वाले पेशेंट जिनकी नेक के अंदर इस प्लेट लगी हुई है, हम लोग भी इस तरह से खड़े हो सकते हैं। वो ये ना सोचे कि हमारे हाथ नहीं चलते हैं या बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता है। अगर आपके पास में इस तरह से खड़ा कराने के लिए तीन बंदे हैं तो आप भी इस तरह से खड़े हो सकते हैं, और एक बार ट्राई करके देखिएगा। बस बॉडी के अंदर कहीं फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर वाले बंदे नहीं खड़े हो सकते। अगर फ्रैक्चर कहीं नहीं है तो आप भी इस तरह से खड़े होकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये एक्टिविटी पहले क्यों नहीं कर पाया, मैं इतने दिन से बेड पर क्यों था। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी इस तरह से खड़े होकर देखिएगा ज़रूर। परेशानी अगर हमारे ऊपर हावी होगी तो हमारा जो एम है, मकसद है ठीक होने का, वो टूट जाएगा और हम ठीक नहीं हो पाएंगे। देखिए, ठीक होना और ना होना ये तो रब के हाथ में है, वो करेगा नहीं करेगा। बाकी अगर हमें इतनी परेशानियां वो दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो हमें ठीक करेगा, इसीलिए वो हमें इतनी परेशानियां दे रहा है, हमें मजबूत बना रहा है, स्ट्रांग बना रहा है। बंदे की बेहतरी खुदा से बेहतर कोई नहीं जानता, ये बात हकीकत है कि हमारी जो अच्छाई है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, या हमारे साथ जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए या क्या होना चाहिए, वो रब से बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे पास बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, वो लोग मेरे को बताते हैं अपनी बातें। तो देखिए, हम लोगों को हारना नहीं है, हम लोगों का ब्रेन तो ठीक है ना, और ब्रेन ठीक है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुश्किल इंसान को मजबूत नहीं बल्कि उसके इरादों को मजबूत बना देती है। हम कुछ भी कर सकते हैं हमारा अगर ब्रेन ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हैप्पी रहना होगा, और नेगेटिव जो लोग हैं उन लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा,
और तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे। अगर खुश रहेंगे तो हमारी एक्टिविटी में ग्रोथ होगी। हमारा रब हमें बेचैनियों के दौर से गुजार कर सुकून भरा लम्हा देना चाहता है, इसलिए वो हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। दोस्तों देखो, मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ और इस तरह खड़े होने से मेरी पूरी बॉडी का फोकस जो है मेरे माइंड तक जाता है, और इस तरह खड़े होने से हम लोगों को क्या है, गैस कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत नहीं होती और बॉडी में एक एनर्जी आती है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है। अगर आप भी इस तरह से खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो सकते हैं, और जिनके पैरों में सेंसेशन नहीं है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से खड़ा होना। मेरे भी लिम्स में नहीं है, लोअर लिम्स में, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी ये चीज़ें ट्राई करके देखिएगा, बट इतना हो कि आप गिरे ना, कोशिश ये करें कि गिरे ना। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह से खड़ा हो रहा हूँ, तो इस तरह से खड़े होने के लिए ज़रूरी नहीं है नी ब्रेस। अगर किसी बंदे के पास में नी ब्रेस वगैरह खरीदने के लिए कोई दिक्कत है पैसे की या किसी चीज़ की, तो सबसे ज़्यादा बेटर तरीका यही है खड़े होने का। इससे आप जब खड़े होंगे तो इसके सारा वेट आपकी बॉडी का आपके ऊपर ही होगा। नी ब्रेस का पर खड़े होने पर या स्प्लिंट वगैरह से खड़े होने पर हमारी बॉडी का वेट उसके ऊपर डिवाइड हो जाता है। और तो दोस्तों जब मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं नी ब्रेस पे भी खड़ा होता हूँ तब भी ठीक लगता है, बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे इस तरह से लगता है। और मेरे पास कई बार इस तरह से खड़े होने का अरेंजमेंट नहीं हो पाता तो मैं नहीं होता, बाकी महीने में एक बार दो बार मैं इस तरह से खड़ा हो जाता हूँ। ज़्यादातर तो मैं वॉकर और नी ब्रेस से ही खड़ा होता हूँ। आप भी ये ट्राई करके देखिएगा आपको कैसा लगता है। और अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी के साथ।